और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन की नई जेआईटी को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान तलब कर लिए गए हैं। फाजिल अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत सानहा मॉडल टाउन के मकतूलैन के वरसा से खिलवाड़ कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट सानहा मॉडल टाउन की नई जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि नई जेआईटी की तश्कील गैर कानूनी है और हुकूमत की जानिब से इसकी तश्कील के हवाले से समरी भी अदालत में पेश नहीं की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सानहा मॉडल टाउन के मुजरिमों का फैसला तो बाद में होगा। सानहा मॉडल टाउन के मकतूलीन के वरसा से हुकूमत खिलवाड़ कर रही है। लगता है कि हुकूमत इस केस की कार्रवाई में संजीदा ही नहीं। अदालत ने कहा कि ये अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें मुजरिमान फैसला चाहते हैं लेकिन हुकूमत को दिलचस्पी नहीं। अदालत ने नई जेआईटी को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तमाम मुतल्लिका अफसरान समेत तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम जेआईटी रिपोर्ट्स और मुतल्लिका दस्तावेजात भी तलब करनी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को 10 फरवरी को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है।